हेलो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा कमाल का होने वाला है। गाइस, जैसा कि हम मोबाइल की स्क्रीन पर रील्स ट्रेंडिंग सारी स्टेटस वीडियो देख रहे हैं, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाकर सिखाने वाला हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम रील्स पर अभी इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बहुत ही ज़्यादा वायरल चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी इंस्टाग्राम रील्स पर कुछ इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे तो आपकी वीडियो भी यहाँ पर बहुत जल्दी वायरल हो सकती है। तो दोस्तों, आपको इस तरह की सारी स्टेटस वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप को डाउनलोड कर लेना है, जिसका नाम है अलर्ट मोशन। आपको अलर्ट मोशन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके अलर्ट मोशन ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अलर्ट मोशन ऐप को ओपन करना है। अलर्ट मोशन ऐप ओपन करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको Narrow 60 वाली साइज को सिलेक्ट करना है। आपको यहाँ पर ब्लैक बैकग्राउंड को इसमें सिलेक्ट करना है। क्रिएट प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। व्यू ऑल पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके मोबाइल की गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ से आपको उस फोटो के वॉलपेपर को सिलेक्ट करना है जिस पर भी आप वीडियो को बनाना चाहते हैं। यहाँ पर आप अपनी फोटो के किसी वॉलपेपर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम इस वॉलपेपर को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा प्लस वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपका वॉलपेपर अलर्ट मोशन ऐप में ऐड हो जाएगा। दोस्तों, आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है मूव एंड ट्रांसफॉर्म, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको तीसरे नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस तरह से जूम कर लेना है, वॉलपेपर को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। इस समय गाइस, आपको एक ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके ग्रीन स्क्रीन वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इस ग्रीन स्क्रीन वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब आपको इसको नीचे साइड में इस तरह से लगा देना है। इस तरह से आपको इसको लगा देना है। नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है इफेक्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। एड इफेक्ट पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक इफेक्ट देखने को मिल जाएगा क्रोमा की, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे। आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, स्टैंडर्ड सेटिंग। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको इसमें ब्लैक कलर को सिलेक्ट करना है। इस तरह से आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको नीचे जाना है। नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसको आपको ऑन करना है। इस तरह से ऑन कर देना है। अब दोस्तों, इनको आपको जीरो कर देना है। इस तरह से आपको इनको जीरो कर देना है। इस तरह से गाइस, आप देख सकते हैं हमारा ब्लैक बैकग्राउंड कुछ इस तरह से स्क्रीन पर लग चुका है। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको फिर से प्लस वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको सारी को लिखना है। तो गाइस, मैंने सारी को पहले से ही कॉपी करके रखा है, तो यहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हम सारी को पेस्ट कर देंगे। अब आपको इस तरह से अच्छे से लगा देना है नीचे साइड में। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कलर वाला, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इसमें वाइट कलर को सिलेक्ट कर लेना है। राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिल रहा है रोबो टू रेगुलर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आप जो भी फॉन्ट इसमें लगाना चाहते हैं आप उसको लगा सकते हैं। तो इस वाले फॉन्ट को हम इसमें लगा देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इस तरह से आपको सारी को अच्छे से सेट कर लेना है, जिस तरह से भी आप अच्छे से सेट करना चाहते हैं। तो इस तरह से हम सारी को अच्छे से सेट कर लेंगे। अब यहाँ से आपको राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस, हम इसमें स्टिकर लगाएंगे। स्टिकर लगाने के लिए आपको फिर से प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद टेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इसमें स्टिकर को लगा देना है, जो भी स्टिकर आप लगाना चाहते हैं। इस तरह से हम स्टिकर को लगा देंगे। अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा कलर वाला, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस तरह से आपको इसको नीचे साइड में फुल यहाँ पर इस तरह से कर देना है। तो गाइस, आप देख सकते हैं हमारा स्टिकर है जो स्क्रीन पर शो होने लगा है। अब आपको स्क्रीन पर अच्छे से स्टिकर को लगा देना है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहां पर एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो में साउंड लगाएंगे। साउंड लगाने के लिए आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है प्लस वाला, इस पर क्लिक करना है।
क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको बी वॉल पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर गाइस हम एक वीडियो को सिलेक्ट करके उस वीडियो का साउंड लगाएंगे। तो गाइस आपको इस साउंड वाली वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके साउंड वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से हम वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट होने का तो प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही स्क्रीन पर साउंड वीडियो आ जाएगी। तो गाइस आप देख सकते हैं साउंड वीडियो स्क्रीन पर आ चुकी है। अब आपको ऊपर राइट साइड में 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको एस्ट्रिक आईडी पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इस वीडियो का आईडी निकल कर आ जाएगा। आप देख सकते हैं इस वीडियो का आईडी निकल कर आ चुका है। अब आपको इस वीडियो पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको वीडियो को डिलीट करना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो में साउंड लग चुका है। अब आपको साउंड की लेयर के बराबर सभी लेयर को कर देना है। तो आपको लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद एंड में जाना है। इस तरह से यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही साउंड क्लियर के बराबर सभी लेयर हो जाएंगे। इस तरह से आपको एक एक करके सभी लेयर को साउंड क्लियर के बराबर कर लेना है। अब गाइस हम इसमें एक इफेक्ट लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए आपको प्लस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इमेज एंड वीडियो पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको व्यू वॉल पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको इसमें एक इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। आपको इस इफेक्ट वीडियो की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इफेक्ट वीडियो को डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको इफेक्ट वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद आपको ऊपर 3 डॉट वाला ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको फुल स्क्रीन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी इफेक्ट वीडियो फुल स्क्रीन में लग जाएगी। अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिल रहा है ब्लेंडिंग एंड ओपेसिटी, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको लाइटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, यहाँ से आपको स्क्रीन वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। आपको इसकी ओपेसिटी को इस तरह से कम कर देना है। अब आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से एडिट हो चुकी है। अब गाइस इफेक्ट की जो एक्स्ट्रा लेयर है पीछे से हम इसको कट कर देंगे। कट करने के लिए आपको इफेक्ट लेयर पर क्लिक करना है। क्लिक होने का इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही इफेक्ट लेयर पीछे से कट हो जाएगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब गाइस हम इस समय एक और इफेक्ट को लगाएंगे। इफेक्ट लगाने के लिए आपको इस वीडियो को सेव करना है। ऊपर आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपकी वीडियो डाउनलोड होने लगे। इस तरह से आपको वीडियो को डाउनलोड करना है। वीडियो डाउनलोड होने के बाद गाइस आपको इंसर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इंसर्ट ऐप की लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो आपको लिंक पर क्लिक करके इंसर्ट ऐप को डाउनलोड कर लेना है। अब आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगी। इस तरह से आपको वीडियो को गैलरी में सेव करना है। अब गाइस आपको इंसर्ट ऐप को ओपन करना है। ओपन होने के बाद वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको न्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है जो हमने अनलाइट मोशन ऐप से एडिट की है। यहाँ पर आपको इस वीडियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट होने के बाद राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी वीडियो स्क्रीन पर आ जाएगी। अब आपको कैनवास वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद यहाँ से आपको नारेसोसिस्टी वाली साइज को सिलेक्ट करना है। राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब गाइस आपको फिल्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद इफेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको बहुत सारे इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से आपको एंड में एक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये इफेक्ट इस तरह से लग जाएगा, आप देख सकते हैं। तो गाइस आप अपने हिसाब से इस इफेक्ट को लगा सकते हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कम करके लगा लेंगे इस तरह से। अब आपको राइट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको इफेक्ट लेयर को खींचकर वीडियो की लेयर के बराबर कर देना है। तो आप देख सकते हैं हमारी वीडियो पूरी तरह से एडिट हो चुकी है। अब हम वीडियो को चलाकर देखेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी वीडियो कितनी अमेजिंग तरह से यहाँ पर एडिट हो चुकी है। अब आपको इस वीडियो को सेव करना है। सेव करने के लिए आपको ऊपर एक ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। क्लिक होने के बाद आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारी वीडियो डाउनलोड होने लगी। तो दोस्तों आप इसी तरह से इंस्टाग्राम रील्स वायरल ट्रेंडिंग सारे स्टेटस वीडियो बना सकते हैं। गाइस अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।